हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत ने ऑपरेशन वंदे के तहत विदेश में फंसे लोगों को लाने का सिलसिला शुरू कर दिया। एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट से 225 यात्री मलेशिया से भारत लौटे, दुबई से कर्नाटक के मैंगलोर पहुंचे, विमान से 176 यात्री भारत लौटे, सिंगापुर से 135 यात्री कोची एयरपोर्ट पहुंचे। रिपोर्ट देख रहे हैं आप, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। सिंगापुर से आते हुए तमाम यात्री अलग अलग जगहों से लौट रहे हैं। तो मलेशिया से मुंबई लौटे हैं 255 पैसेंजर्स। ये तमाम लोग अपने अपने देशों में फंसे हुए थे, वापस वतन वापसी अब इनकी हो रही है। दुबई से मैंगलोर लौटे हैं 176 भारतीय। दुबई से कर्नाटक के मैंगलोर जो पहुंचे हैं उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। विमान से 176 यात्रियों को भारत वापस लाया गया है। सिंगापुर से 135 यात्री कोची एयरपोर्ट पहुंचे हैं और ये सब कुछ किया जा रहा है ऑपरेशन वंदे भारत के तहत, क्योंकि विदेश में फंसे हुए भारतीयों को सिलसिलेवार तरीके से लाने का फैसला भारत सरकार ने किया था और उसी की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। देखिए, वंदे भारत ऑपरेशन शुरू किया गया था, करीब 14,800 पैसेंजर जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में फंसे हुए थे, खासतौर पर खाड़ी देशों में, सिंगापुर में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, उन देशों से निकालकर उनको भारत वापस लाया जा रहा है। इसके लिए 64 विमान सेवाओं के जरिए 14,800 यात्री वापस लाए गए हैं। 12 देशों से ये लोग लौट रहे हैं। 6,000 से ज्यादा भारतीय वापस लाए जा चुके हैं। बता दें आपको, खाड़ी देशों में बहुत बड़े स्तर पर भारतीय कामगार निवास करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो वहीं फंस गए थे। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के जरिए वो सरकार के संपर्क में थे और वो चाहते थे कि वतन वापसी वो करें। अब कुल मिलाकर 64 विमानों से इनकी हुई है वापसी। 14,800 यात्रियों की वापसी अब तक हो चुकी है। 12 देशों से ये लोग लौट रहे हैं अपने वतन वापस। 6,000 से ज्यादा लोग कुल मिलाकर अब तक लौट चुके हैं। टारगेट हमने आपको बताया कितने लोगों के वतन वापसी का वंदे भारत के जरिए है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको, तस्वीरों के साथ आप देखिए किस तरह से पूरे परिवार के साथ एक बार फिर से घर वापसी हो रही है।